हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल हतार फ्रॉम लवली मुंडा। उम्मीद करता तुसी सारे ठीक ठाक होवोगे, जहां रहो खुश रहो बादर हो। यही दुआ नाल अज दा व्लॉग कर दें जी स्टार्ट। जिन्हें दोस्तों ने साडे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, साडे चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो नु लाइक ते शेयर जरूर कर लो। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। ते वीडियो मुकम्मल देख के अपनी कीमती राय दा इजहार कमेंट च जरूर करियो। सो गाइस, मेरे नाल है जी मेरा छोटा भाई सफियानुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। सफियानुल्लाह साहब, आप क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं। ये इस वक्त वेला है, इसने यानी कि अपने जो पेपर थे ना, इसके पेपर हो गए हैं और अब ये फ्री है और ये निकर शर्ट पा के घूमता है। अब ये देखें, ये देखें, अब इसने ये पकड़ा हुआ है एक पैपसा, उससे क्रिकेट खेल रहा है और एमी पंगे ले जा रहा है। सो गाइस, आज का मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा हुआ है, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं और आज का रोज़ा भी बहुत अच्छा और बढ़िया जा रहा है। बहुत ही अच्छा काम हो रहा है आज, क्योंकि आज हवा भी चल रही है और बादल हुए हैं, जिससे मौसम काफ़ी बेहतर है और बहुत ही अच्छा है। और गाइस, हमारे घर के साइडों पे इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बन गई हैं, ये घर बन गए हैं, जिससे हमारा घर छोटा ही हो गया। ये भी न्यू बनी, ये भी न्यू बनी, और ये एक मेरे सामने ये वाला, ये भी अभी न्यू बना है। यानी कि ये जो सारे घर हैं ना, ये सारे घर बनने से ना हमारा घर दरमियान में छोटा सा हो गया। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं जी बाज़ार। मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा हो गया है, हवाएं चल रही हैं और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, थोड़ी थोड़ी कनियाँ पै रही हैं, ऐसे ही है ना? हाँ जी जी, बिल्कुल सर, थोड़ी थोड़ी यानी कि ना बारिश हो रही है, जिससे मज़ा आ रहा है पैदल ऐसे जाने में। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने पिछले मेरे व्लॉग में देखा था, हम नर्सरी गए थे पौधे वगैरह लेने के लिए। ये देखें, इधर लेके आए थे, ये एक लगा दिया है, एक वो धनिया वो लगाया है, एक एक ये गुलाब, ये हमने यानी कि जो पौधे लेके आए थे वो सब लगा दिए हैं। ये अतीक का घर है, जो अब अतीक अपने घर में सोया हुआ होगा। सो दोस्तों, ये मेरे ना एक पीछे एक चीज़ है, ये देखें, ये वाली, ये वो ना क्या उसको कहते हैं, फसल जो होती है ना, ज़मीन की फसल, उसमें ये काश्तकारी के लिए इस्तेमाल होती है। ये पता नहीं वैसे क्या है, आप ज़रा कमेंट में बताइए कि ये क्या चीज़ है। और एक ये मेरे पीछे ट्राली है, ये भी नहीं पता कि ये किस लिए बनाई जाती है। इसमें तूड़ी होती है, वो पीछे वाली उसका पता है तुम्हें? नहीं होता वो मुझे भी नहीं पता वैसे। फ्रेंड, ज़रा हमें ना कमेंट में बताइएगा कि वो क्या चीज़ है। ये इधर कलर हो रही है ये ट्राली, और ये भी कोई ऐसे ही है, काश्त करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये सब है ना, इनको यानी कि यहाँ पे कलर वगैरह करते हैं, पेंटिंग ऊपर लिखते हैं, इस पे फूल वगैरह बनाते हैं, जिसको हम डिज़ाइन करते हैं इसको। तो दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं जी मेन सड़क पे। ये देखें जी मेन सड़क, इस साइड को, लेकिन हम इस साइड को जाएंगे, हम इस साइड पर जाएंगे। हमारे सामने ही मेडिकल स्टोर है, ये वाला, जहाँ पे अब हम मेडिसिन लेने के लिए जाएंगे। सड़क क्रॉस कर लें ध्यान से बच्चे, काफ़ी तेज आते हैं, इधर को जा रहे हैं, दवाई ले आने गया हूँ भाई, हम दवाई लेने भाई जी, पता नहीं सीरप लेना से कोई वो लेते भाई हम। तो बाकी जी आसे पासे दुकाना खुलियाँ हुई हूँ। टायर की दुकान है जी, पहली साइड हमाम, इधरली साइड से भी मोटरसाइकिल की दुकान। भाई ने दवाई ले लिया जी, चलो जी मेडिसिन ले आते हैं। सो गाइस, हमने मेडिसिन ले ली है, अब हम जा रहे हैं दोबारा वापस अपने घर की तरफ, रवाना हो गए हैं। सो गाइस, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, ये देखें, ओए छक्का ला दे, छक्का ला तू वड्डा क्या ला। सो गाइस, यहाँ पे एक बच्चा ना वीडियो बना रहा है, ये देखे, फेमस टिकटॉक स्टार अवैसा
ये देखे वीडियो बना रहे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम जी, हम ब्लॉग बना के आ रहे हैं। और सुनाए सर, ठीक है? ओ मेडिकल स्टोर तो गए थे थोड़ा दवाई लेने। सो गाइस, वो भी मेरा एक फ्रेंड था, वो टिकटॉक की वीडियोस वगैरह बनाते हैं ना, वो अपनी वीडियो शूट कर रहा था बाहर, है ना शाला सर तुसी भी इतना कोई वीडियो बनाया करो, मैं कहना दवाई पा दो रश पा दो जी, आई पी जी वधिया जी वीडियो बनाया करो इंशाल्लाह। जिदा कि तुसी साडी एक पिछली वीडियो सी कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले चढ़ाई जड़ी वाईफाई चोर, हाँ सीधा वाईफाई उस फैनला की एक्टिंग बड़ी अच्छी है। तो जिन्होंने अजे तक वीडियो नहीं देखी गाइज, वो जरूर पिछली वीडियो देखियो वाईफाई चोर वाली, साढ़े चैनल पर बड़ी अच्छी तो फनी तो मजाइया वीडियो है। सो गाइज, अब हम घर पहुँच गए हैं, तो सुफियानुल्लाह चलो बाय बाय घर जाओ, और मैं फिर अपने काम पर जाऊँगा। सो गाइज, इस वक्त टाइम हो गया जी असर का, मैं इस वक्त असर की नमाज अदा करके आया हूँ, अपनी जॉब से सीधा इधर आया था काम से, और अब दोबारा वापस फिर काम पे ही जा रहा हूँ। तेरे घर डरा ही देता भाई ने। ये है दनान मॉल, इसके सामने ये मेरी शॉप, ये वाली। गाइज, आज का ये मेरा जॉब पे माशाल्लाह बड़ा अच्छा दिन गुजरा है। ये शॉप बंद करने लगे हैं, टाइम हो गया तकरीबन 10:45 का, और फिर हम कुछ ही देर में घर वापस चले जाएंगे। सो गाइज, इस वक्त मौसम काफ़ी अच्छा और प्यारा हो गया गाइज, बारिश आ रही है पीछे मेरे, बारिश और काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल रही हैं, और माशाल्लाह बड़ा ही अच्छा मौसम हो गया प्यारा सा, वो पीछे हवाएँ चल रही हैं गाइस, बड़ा अच्छा मौसम हो गया है। और अब हमने सामान अपना टेबल वगैरह भी अंदर रख लिए, अब हम ताले लगाएंगे और फिर हम छुट्टी कर जाएंगे। और इस वक्त टाइम हो गया जी 12:02 गाइस, हवा जैसे चल रही है ना, बहुत मज़ा भी आ रहा है, क्योंकि साथ साथ हल्की हल्की ना बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की है, आहिस्ता आहिस्ता बारिश हो रही है, बड़ा ही अच्छा मौसम हो गया। क्लोजिंग कम्प्लीट, ताले लगा दिए साइड वाले, ये शटर सब बंद हो गए, और अब यही है मैं इस पर बैठा हुआ हूँ इस वक्त, और ये शटर इस वक्त बंद करके हमें फिर चले जाना है। ये अहमद माय फ्रेंड, न्यू फ्रेंड अहमद, ये भाई, और वो हैं जी हमारे जो यहाँ पे ये बना के देते हैं शेफ। सो गाइस, मुझे इस वक्त छुट्टी मिल गई है, मैं जा रहा हूँ वापस, अभी भाई लोग थोड़ा सा काम रहता था वो कर रहे हैं, वो भाई लोगों ने थोड़े से ना वो जो रहते थे आइसक्रीम का कर रहे थे, वो ना वो पैन जो होते हैं वो सेट वगैरह कर रहे थे फ्रीज़र में, और वो मुझे कहते चलें आप चले जाएं, मेरा काम ख़त्म हो गया था फिर मैं आ गया, और उन्होंने अभी वैसे यहाँ से तकरीबन 30-40 किलोमीटर है उनका घर, अभी वहाँ पर उन्होंने अपने गाँव जाना है, तो वैसे उन्होंने अभी दूर जाना है। इस वक्त टाइम हो गया वैसे जी फ्रेंड्स 12:15 हो गए हैं, और मुझे छुट्टी मिल गई। ओके फ्रेंड्स, मैं यहीं भी अपना आज का व्लॉग करता हूँ ख़त्म। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और मेरा ये यूट्यूब चैनल है इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अपनी कीमती राय का हर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।